हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ तड़का रवा इडली बनाने, जिसके लिए मैंने 2 कप रवा ले लिया है, 1 कप दही ले लिया है। अब एक बर्तन में रवा डाल देंगे, इसमें दही डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बैटर बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल इसी तरीके का बैटर बना करके रख लेंगे। अब करते तड़के की तैयारी। तड़के में ले लिया है राई, हींग, कड़ी पत्ता और ज़ीरा। एक शिमला मिर्च काट लिया है, थोड़े गाजर कट कर लिए, प्याज कट कर लिया और हरी मिर्च। एक पैन में तेल गरम कर लिया है, अब इसमें हम तड़का डालेंगे। तड़का लाल हो गया है, अब इसमें प्याज डाल देंगे, डाल करके इसे 1 से 2 मिनट में। प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, अब इससे गाजर डाल देंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे हल्का फ्राई ही करना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे 1 मिनट के लिए। गाजर डाल के 1 मिनट हो गया, अब इससे शिमला मिर्ची डाल देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हल्का सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि हमने रवा में भी नमक डाल रखा है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए बैटर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से बैटर बन के बिल्कुल तैयार है। अब एक इडली के बर्तन में पानी डाल के रख दिया है गर्म होने को। अब हम बैटर में 1 पैकेट इनो डाल देंगे। इनो डाल करके इसे बहुत ज़्यादा नहीं फेंटेंगे, बस 1 से 2 बार मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके इडली के सांचे में थोड़ा थोड़ा तेल लगा। बर्तन में अच्छे से तेल लगा लिया है। इनो डालने के बाद बैटर भी काफ़ी फूल गया है। अब इसे 1-1 चम्मच इडली के सांचे में डाल देंगे। इसी तरीके से सारे सांचों में भर लेंगे। अब इसका ढक्कन लगा लेंगे अच्छे से 10 मिनट के लिए। इसे 10 मिनट हो गया इडली रख के। अब इसे एक चाकू डाल के चेक कर लेते हैं। चाकू बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, मतलब इडली स्टीम हो गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। तड़का रवा इडली बन करके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना स्पंजी बना हुआ है, इसे बनाइए। ये बहुत इजीली बन जाता है और ये बहुत हेल्दी होता है खाने में। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।